खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आज हम बात करेंगे चौथे कलमा पर, जो मुकद्दस मरकज की इंजील उसके 15वें बाब 34वीं आयत में से है। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने स्लीपर से बोला, और हमने देखा कि पहले तीन कलमे जो हैं वो जमीनी लोगों के लिए हैं, मुख्तलिफ तरीकों से उनके लिए कहे गए। पहला कलमा था दुश्मनों के लिए, दूसरा कलमा गुनहगारों के लिए, और तीसरा कलमा मुकद्दसीन के लिए। अब चौथा कलमा और पांचवा कलमा ये खुदा और इंसान के रूप में हमारी इंसानी तारीख में जो खुदा आया उसके ला इंतहा दुख और कर्म का प्यार, यानी खुदा जिसने इंसानी शक्ल ली, कलमा मुतजस्सद हुआ, खुदा का बेटा जिसने इंसानी रूप लिया, यह अब उसकी अजियत, उसकी तकलीफ है। और इसमें खुदा यीशु मसीह इस हद तक हमसे मोहब्बत रखते हैं, इतना करीब आ जाते हैं, और जिसके लिए वो इस दुनिया में आए कि वो हमारे सब गुनाह अपने ऊपर ले लें। और ये कलमा जो खुदा यीशु मसीह ने बोला, ये यहूदी अक्सर अपने मजामीर यानी जबूर 21 जो है उसकी दूसरी आयत, बल्कि सारा जबूर जो है वो पढ़े तो उसमें है कि कैसे इंसान या वो कौम दुखों अजियतों मुसीबतों में से गुजरी। वहां पे उन्होंने यहां तक कहा कि कुत्ते मेरे पीछे लगे हुए हैं, और इस तरह की जबान कि यानी इतना उन्होंने दुख और अजियत सहा। और खुदा यीशु मसीह बेशक यहूदी थे, उनकी माँ यहूदी और उनका बाप जो निगेबान था, शराई तौर पे जिसे जो निगेबान ठहराया गया हजरत यूसुफ, तो ये उन्होंने तालीम पाई थी, इसलिए वो जबूर जानते थे। तो यहां पे उन्होंने उस कर्म का, उस दुख का जो उसकी कौम उठाती है, जो लोग जिसमें से गुजरते हैं, इंसानियत जिसमें से गुजरती है, ये उस कर्म की इंतहा है। लेकिन ये जबूर का इख्तिताम जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा खुदा की तरफ से निजात, आजादी, खुशी, जिंदगी पे जाके खत्म होता है। लेकिन यहां पे खुदा यीशु मसीह ने सारी दुनिया के गुनाह अपने ऊपर ले लिए, इस कदर के वो गुनाहों के बोझ तले, इतने गुनाह मेरे आपके, सारी दुनिया के एक एक इंसान के, बशर के गुनाह उस पे लाद दिए गए कि खुदा को उस वक्त उस लम्हे में वो चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गुनाह का ढेर नजर आ रहा था। और ये ढेर खुदा यीशु मसीह ने खुद अपनी जात पे, क्योंकि उनका ऐसा करना हमारी निजात के लिए लाजमी था। अगर वो ये सारे दुख अपनी जात के ऊपर ना लेते, और जैसे हम इंसान गुनाह की वजह से रद्द किए जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं और खुदा का चेहरा नहीं देख पाते, और हम महसूस करते हैं क्या मेरे खुदावन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इस अजियत में, इस कर्ब में, इस दुख में खुदावन यीशु मसीह उस इंतहा तक पहुंचे, ताकि कोई शख्स ये ना कह सके कि खुदावन यीशु मसीह इंसानियत के दुख और कर्ब को नहीं जान सकते। उन्होंने जाना, बल्कि उससे भी बढ़ के जाना, और तब उन्हें नजर आया कि खुदा ने उनको उस लम्हे में छोड़ दिया है। और ये सच है, कोई सारे के सारे गुनाह जब उन्होंने इंसानी रूप में अपने ऊपर लिए, तो वो गुनाहों के बोझ के नीचे दबकर जो है वो उस लम्हा के लिए खुदा से दूर हुए और चिल्ला उठे, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये जबूर उस बात की निकासी करता है जो जबूर इसराइली कौम अक्सर अपने
مزامیر جب دہراتے ہیں تو اس میں پڑتی ہے. مارٹن لوتھر نے اس بات پر کہا تھا کہ خدا نے خدا کو چھوڑ دیا اور بھلا دیا ہے. بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن یسوع کا ان دکھوں کو قبول کرنا ہماری نجات کے لیے ضروری تھا, کیونکہ وہ یہاں تک پہنچیں گے تو موت کو, شیطان کو, ابلیس کو فنا کریں گے, اور اس کے لیے یہ سب ہونا لازمی تھا کہ وہ فدیہ دیں, وہ قربانی دیں, تاکہ ہم زندگی اور نجات پائیں. اس زبور کا اختتام جو ہے, جو زبور 21 ہے, اس میں لکھا ہے کہ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس زبور میں امید, زندگی, نجات, ابدی خوشی, فتح اور نصرت موجود ہے. ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا, توکل کیا اور تو نے انہیں چھڑایا, انہوں نے مجھے پکارا اور رہائی حاصل کی, انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے. پانچویں اور چھٹی آیت زبور کی, اور پھر اسی زبور کی 21 زبور کی 29 آیت ہے, اس میں کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے اور وہی قوموں پر حکومت کرے گا. اس لیے آئے ہم خدا میں ایمان رکھتے ہوئے عبرانیوں کے خط 4 اس کی 16 آیت پر غور کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں. خط میں مقدس مصنف لکھتے ہیں, بس آؤ ہم توقع کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں, تاکہ رحم کریں اور ضرورت کے وقت کی مدد کے لیے فضل حاصل کریں. خداوند آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ اور سلامتی دے.